हेलो गैस, स्वागत है आप लोग के इन्वेंट कैनवास का और एक नया वीडियो में। सो गैस, आप लोग किसी ना किसी दिन अपने मोबाइल को किसी ना किसी वजह से आप लोग कभी ना कभी रीसेट करते हो। सो गैस, ऐसे में आपका क्या होता है, अपना अभी जो है सब कुछ मोबाइल में आपका स्टोर रहता है, आपका फ़ोटो, आपका हर एक डॉक्यूमेंट्स अपना मोबाइल पर रहता है। सो गैस, ऐसे में आपको प्रॉब्लम क्या होते है? आप लोग बहुत से लोग ऐसा है कि आप लोग नहीं जानते कैसे अपना मोबाइल का बैकअप करना है, कैसे अपना जो मोबाइल का ऑल डेटा है वो बैकअप करना है, और उसके बाद आप लोग जहाँ चाहे रीसेट कर लो। और जब भी आप अपना जो इसमें सबसे अच्छा जो बात है, आप किसी भी डिवाइस में अपना जो ईमेल आईडी है, जब भी लॉगिन करोगे आपका जो सभी डेटा है वो आ जाएगा। सो गाइस, आप लोग कैसे ये अपना जो कॉन्टैक्ट है वो आप सेव कर सकते हो ईमेल में, और कैसे अपना फ़ोटो को बैकअप कर सकते हो, और कैसे अपने मोबाइल का ऑल जो डेटा है वो बैकअप कर सकते हो। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत नॉलेजेबल होगा। सो वीडियो का कितने देखते रहिए, वीडियो चालू करते हैं। सो गाइस, इसके लिए आप लोगों को जाना पड़ेगा कॉन्टैक्ट में, उसके बाद आप जो भी नंबर सेव करना चाहते हो उसमें जाना है, उसके बाद आप लोगों को जाना है न्यू पे। न्यू पे आ जाने के बाद आप इधर ऊपर जो होगा उधर आप लोग चेंज कर लेना है अपना जो सेटिंग है, बहुत सिंपल रह सकते हैं वो आप सेव कर लेना है। अपना ईमेल आईडी, जो भी ईमेल आईडी आप चूज़ करोगे उसमें सेव होगा आपका जो कॉन्टैक्ट। चूज़ करने के बाद कर देना है इधर जो राइट ऑप्शन है, इधर आप लोगों को टैप कर देना है। इनसे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जो आपका जब भी कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर आप सेव करोगे आपके ईमेल आईडी पे सेव रहेगा। इनसे तुम्हारा जो ईमेल आईडी है, जब भी किसी भी मोबाइल पे आप लॉगिन करोगे तब धीरे धीरे आपका बैकअप होना चालू हो जाएगा, और आपका जो कॉन्टैक्ट रहेगा वो आपका मोबाइल पे आ जाएगा। इसके बाद आप लोग जब भी कोई भी फ़ोटो आप बैकअप करना चाहते हो, किसी भी मोबाइल पे लेकर आना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को गूगल फ़ोटो मिल जाएगा, उधर आप लोगों को ओपन कर लेना है। कर लेने के बाद आप लोगों को इधर साइड में मिल जाएगा, इधर आप लोगों का आ जाना है फ़ोटो सेटिंग पे। फ़ोटो सेटिंग पे आ जाने के बाद सबसे ऊपर आप लोगों को मिल जाएगा बैकअप एंड साइंस। इधर आप लोग सबसे पहले अपना जो जो ईमेल आईडी है वो चूज़ कर लेना है, उसके बाद ऊपर जो ये दिख रहा है ये जो नीला बटन, इसको आप लोग ऑन ही रखना है। उसके बाद अपलोड साइज, इधर आप लोग मेरा हाई क्वालिटी रखा हुआ है, आप लोग एक्सप्रेस कर सकते हो आपको यह जल्दी है। उसके बाद आप लोग इधर मोबाइल डाटा यूजर्स में कर लेना है, इधर आप लोग मेरा अनलिमिटेड किया हुआ है, आप लोग अगर लिमिट करना चाहते हो लिमिट कर सकते हो। और उसके बाद बैकअप डिवाइस फोल्डर, आप लोग इधर कोई भी फोल्डर चूज़ कर लेते हो जो फोल्डर का आपका बैकअप चाहिए। सो इससे क्या हुआ, तुम्हारा जो फ़ोटो होगा वो बैकअप होना चालू होगा, जो जो अपना फोल्डर जो आप लोग चूज़ करके रखे हो। इसके बाद में आप लोगों को भाई सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाने के बाद आप लोग करना है बैकअप सर्च करना है, बैकअप एंड रीसेट में आ जाने के बाद ऑटो बैकअप इधर आप लोगों को ऑन करके रखना चाहिए, इधर ऑन करके रखना। उसके बाद आप लोगों को बैकअप अकाउंट जो है वो केमनी चाहिए, जो मेरा अकाउंट है ये चूज़ कर रखना है, ऐसा आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो चूज़ कर रखना है। उसके बाद आप लोग जब ही भाई, इससे क्या होगा, तुम्हारा जो भी कॉन्टैक्ट सेव रहेगा वो अपने ईमेल आईडी पर सेव रहेगा। इनसे क्या होगा, आप लोग कभी भी किसी भी डिवाइस में आप जब भी अपने ईमेल आईडी लॉगिन करोगे अपना जो बैकअप अब जब भी चालू करेगा आपका जो कॉन्टैक्ट रहेगा, जो भी अपना मोबाइल पे डॉक्यूमेंट रहेगा वो आपका जो बैकअप होना चालू हो जाएगा और अपना जो मोबाइल है उसमें आ जाएगा। सो गाइस, उम्मीद करता हूं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक शेयर और कमेंट कर देना, साइड में जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबा के बेल वाला आइकन दबा देना, जिनसे इच्छा अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के लिए मैं लेकर आता रहूँ। अभी के लिए टाटा, गुड बाय।